पंडित जी सारी तैयारी हो गई ना? हाँ बहन जी, दुल्हन को बुलाइए। जी अभी बुलाते हैं। कल्याणी जी आओ सर। अरे पंडित जी अनुप्रिया को बुला रहे हैं, उसे लेकर आ। हाँ सर, बस आई को ये गजरा लगा दूं, 5 मिनट के अंदर लेके आती हूँ, ठीक है? जो करना है करो, जल्दी लेकर आ। हाँ। अनुप्रिया देखो तुम्हारा गजरा मैं ले आई, अब बस जल्दी से तैयार। ऐसा नहीं हो सकता है, क्या सच में अतीत फिर से खुद को दोहरा रहा है? उस दिन मैंने एक माँ खोई थी, आज फिर से मैं अपनी आई खो दूंगी। अच्छा लगा आप आ गए। आपको पता है किसकी शादी है? मेरी आई बाबा की। आपके आई बाबा की कभी शादी देखी है आपने? नहीं बेटा, आप ही किस्मत वाले हो। गोदावरी मेहमानों को बिठाओ, हम अभी आते। आइए पंडित जी, सारी तैयारियां ठीक से हुई है ना? हाँ तैयारियां हो चुकी हैं, आप बस दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। अभी बुलाते हैं। अनुप्रिया कैसी लग रही हो आपसे? वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना कल्याणी, आप तो जानती है ना उसे, बिल्कुल सुनती नहीं है, इतना कुछ पहना दिया है, ये एक निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दो, बहुत सुंदर लग रही हो। जब तुम शादी करके पहली बार इस घर में आई थी ना, तब हमने तुम्हें बहू के रूप में देखा था, लेकिन आज हम तुम्हें बेटी के रूप में देख रहे हैं। और जब भी कोई माँ अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखती है ना, तो आंखें अपने आप भर आती हैं। बेटा हमने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए हमें माफ कर दे। नहीं साहब क्या कर रही है, बड़ों के हाथ तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, ऐसे माफी मांगने के लिए नहीं। और मैंने तो आपको कभी मेरी सास नहीं माना है, आप तो हमेशा मेरे लिए मेरी माँ ही थी, वो माँ जिसने हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है, मुझे बाहर निकालने की कोशिश की है, मेरे लिए तो आप माँ ही हैं। खुश रहो। ताई, ताई आप यहाँ क्या कर रही हो? काकी आपका कब से इंतजार कर रही है, और गजरा आपने अभी तक उनको नहीं दिया। तू जाके दे देना प्लीज, मैं बस अभी थोड़ी देर में अंदर आ रही हूँ। ताई आप कहाँ जा रही हो? काम है गोदा थोड़ा सा, मैं बस काम खत्म करके जल्दी आती। ताई जल्दी आना। अरे गोदा कल्याणी कहाँ है? ताई तो बाहर है। बाहर क्या कर रही है? पता नहीं। अच्छा चिल्ला क्यों रहे आप? तुम क्यों चिल्लाई? मैं डर गई आप इससे अचानक से आ गई। तुम चिल्लाई तो मैं भी डर गया। चलो शादी के लिए सब वेट कर रहे, रेडी हो रहा है सब, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो अब नहीं। क्या वो क्या हुआ? आप जाइए मैं आती हूँ। कल्याणी साथ चलो मेरे, चलो आप चाहिए ना मल्हार जी, मैं बस आती हूँ आपके पीछे पीछे। सब ठीक है ना? बेबी ठीक है? कोई दर्द हुआ? नहीं नहीं मैं और बेबी दोनों ठीक है मल्हार जी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मैं बस थोड़ी देर में अंदर आती हूँ। कल्याणी चलो मेरे साथ चलो। नहीं मल्हार जी अब मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ। मल्हार जी क्या कर रहे हैं? कल्याणी तुम्हें तो मौसम पता है ना औरंगाबाद का, कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप निकल सकती है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी और अपने बच्चे की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। मल्हार जी प्लीज अंदर जाइए ना आप। मल्हार जी
कल्याणी कहाँ है? ताई तो बाहर है, मतलब आ रही होगी। मल्हार जी देखिए शादी शुरू होने वाली है, आप प्लीज जाइए ना। एग्जैक्टली कल्याणी, शादी शुरू होने वाली है और तुम यहाँ बैठी हो और मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मजा नहीं है ना। चलो मल्हार जी अब जाइए, आपको मेरी चला जाता हूँ। कल्याणी मत दो, मुझे पता है तुम्हें कैसे अंदर लेके जाना है। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हो दोनों। तुम अकेले आए, कल्याणी नहीं आई? माई बाहर उदास बैठी है, पता नहीं क्यों। मैंने मनाने की कोशिश भी की लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। मुझे पता है वो ऐसे क्यों बैठी है। आपको पता है? अनुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनुप्रिया शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है ना, जाओ जाओ अंदर जाओ। कल्याणी के बिना अनुप्रिया की शादी हो सकती है क्या? नहीं, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में नहीं देख सकती हूँ, अपशगुन हो जाएगा, समझो ना। तुम्हें ने मुझे समझाया था ना कि अपशगुन वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर अब तुम क्यों सोच रही हो ऐसा? देखो मैं मानती हूँ कि मैं भी अपशगुन वगैरह में विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे डर है तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी? और तुम्हारी कैसी बातें कर रही हो कल्याणी? तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विश्वास रखो मुझ पर, मेरा दिल कह रहा है कल्याणी, जो दुख हमने सहे है ना वो खत्म हो गया, अब हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी आएगी। हाँ कल्याणी विश्वास रखो और आंखें खोलो, आंखें खोलो कल्याणी। नहीं नहीं शादी के बाद। विवाह संपन्न हुआ, दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद लें। चलिए खुश रहो, सदा सुहागन रहो, परमेश्वर तुम दोनों का दामन खुशियों से भर दे। मेरे पैर नहीं छूओगे अनुप्रिया? सॉरी सॉरी। अनुप्रिया बोलने लगी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बड़ी हो गई हो, आज भी मैं तुम्हारी आई हूँ, समझी ना? हाँ। अनुप्रिया राणे, अनुप्रिया राणे जी के लिए ये स्पीड पोस्ट आया है। दो। क्या स्पीड थी? सर साइन कर लीजिए प्लीज। क्या है? देखा? पैसे? कहीं हिंदू की कोई नई चाल तो नहीं है? ये जरूर हिंदू की कोई नई चाल होगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे शादी में मत आना, तो मुझे दूर रखो। रिलैक्स कल्याणी, एक लेटर पी। हाँ कल्याणी टेंशन मत लो, पढ़ने तो दो क्या लिखा है, पहले ही टेंशन ले रही हो तुम। देखा? ला।
उपाय बताओ ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पंजाब से भाग्य लक्ष्मी ने पैसे भेजे। भाग्य लक्ष्मी कौन है? बहुत अच्छी लड़की है कल्याणी, सबकी मदद करती। हाई, लेकिन तुम इतनी शोर क्यों? हो सकता है ना ये कोई हिंदू की लड़की। कल्याणी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा है ना, जो भी सारे टेंशन थे ना वो सब खत्म हो चुके, अब इसके आगे हमारे घर में सब अच्छा ही होगा। लेकिन आई, तुम इस लड़की से कहाँ मिली हो जो तुम इतनी श्योर हो? कल्याणी, इंदू ने राब्ता के लिए डोनेशन भेजा है। कल्याणी, मैंने पेपर में एड दी थी मदद के लिए, तो भाग्य लक्ष्मी का मुझे फोन आया था और पूछ रही थी कि क्या वो कोई मदद कर सकती है, तो मैंने उसे कह दिया था कि उसकी जितनी क्षमता होगी उतने पैसे वो भेज सकती है, तो उसके बचाए हुए पैसे उसने भेजे है राब्ता के लिए। फाय, भाग्य लक्ष्मी तो सच में काफी अच्छी है। हाँ कल्याणी, और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वाह, बात तो सच है। क्या विचार है? इतना सब कुछ सुनने के बाद तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भाग्य लक्ष्मी से मिलूं, है ना? तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी अब मंगलवार से 8:30 बजे हमसे मिलने आने वाली है हमारे घर पे, सिर्फ जी टीवी पर। चलो पहले उखाना लो और बाद में गृह प्रवेश करो। हाँ हाँ, एकदम अच्छा सा उखाना लेना अनुप्रिया, जितना अच्छा उखाना लोगी उतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा काका से। अरे क्या होता है क्या? लो सुनो। हाँ? हाथों में मेहंदी लगाना है शादी की रस्म, हाथों में मेहंदी लगाना है शादी की रस्म। सार्थक जी, आपको मैं हमेशा खुश रखूंगी, खाती हूँ कसम। मैं भी। चलो। आओ। एक मिनट। अरे काका, गिफ्ट? गिफ्ट किस बात का? गिफ्ट नहीं है मेरे पास। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, गिफ्ट लाया हूँ लेकिन निकालने में टाइम लगता है ना। अनुप्रिया, ये तुम्हारे लिए। ये क्या? बढ़िया बढ़िया। ये तो किसी जमीन के कागजात है। जानता हूँ अनुप्रिया, मैं अपनी जिंदगी भर बहुत प्रैक्टिकल रहा हूं। चैरिटी वगैरह में कभी विश्वास नहीं किया, हमेशा ऐसा लगता था कि ये सब लोग ठगी होते हैं, फायदा उठाते हैं हमारा। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरा इन लोगों के प्रति ये जो स्वभाव था ये बदला। मुझे एहसास हुआ कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, स्पेशली तब जब हम उस हालत में हो कि हम लोगों की मदद कर सके तो जरूर करनी चाहिए। मेरे नाम पर एक जमीन का हिस्सा था, मैं चाहता हूं कि तुम उस जमीन पर तुझसे यह राब्ता का एनजीओ खोलो। तुम्हारा एनजीओ हमारा एनजीओ, तुझसे यह राब्ता इसी जमीन पर खुलेगा। भूमि पूजन खत्म हुआ, अब आप लोग नारियल तोड़कर जमीन पर पहला गड्ढा कीजिए। कल्याणी, तुम खड़े क्यों हो? भूमि पूजन में तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए ना। ये लो, शुरू करो। गणपति बप्पा मोरया।
आओ सर, हार पहनाकर इनॉग्रेशन कीजिए। आपको इस एंजॉय का ख्याल कैसा आया? मैंने मेरे जिंदगी में बहुत दुख महसूस किया है, बहुत अकेलापन सहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा दर्द या अकेलापन किसी के भी नसीब में, इसलिए उन सब के लिए ये एनजीओ खोला है। मैं मेरी आई के लिए आज बहुत खुश हूँ। तुझसे रब्ता सिर्फ एक एनजीओ नहीं है, ये मेरी आई का सपना है। चल से मेरा मुंह पोछ देना, मैला सा लागे जहां। तेरे जिंदगी में तो कल्याणी थी मेरे साथ। मेरी जिंदगी का अंधकार उसने दूर किया है, लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में कल्याणी तो नहीं हो सकती ना। तो उस हर एक इंसान के लिए ये मेरा एनजीओ रहेगा, तुझसे है रब्ता। उस हर एक इंसान के लिए जिसमें लड़ने का जज्बा तो है लेकिन साधन नहीं। बिल्कुल सही कहा माई ने। और सच ये भी है कि इन कुछ सालों में आओ साहब ने, काका ने, माई ने, कल्याणी ने, यहाँ तक कि गुनगुन और मोक्ष ने भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना किया है। लेकिन सच बात यह है कि इन परेशानियों की वजह से हम लोग दूर होने के बजाय और करीब आए हैं। मुझे लगता है यही हम लोगों का रिश्ता है। तो फिर क्यों ना ये रिश्ता एक माँ बेटी तक, एक परिवार तक सीमित रहे। क्यों ना इसको एक एनजीओ के जरिए आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हम। मैं एक किन्नर हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुमनामी में बिताई। लड़ने की हिम्मत तो थी लेकिन रास्ता नहीं पता था। अनुप्रिया जी और कल्याणी जी ने मेरी मदद की और मुझे रास्ता दिया। आज इन्हीं की वजह से मैं समाज के सामने अपनी जगह बना पाया। मैं शिल्पी, एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी आंखें खोई है, जिसका फायदा एक गुंडे ने उठाया और उसने मेरा रेप किया। लेकिन अनुप्रिया जी और कल्याणी जी ने मेरी मदद की उस गुंडे को सजा दिलवाने में और मेरी जिंदगी को एक नई राह दिखाई। मैम वाकई में आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए मिसाल है आप दोनों की जोड़ी। इनकी जोड़ी सिर्फ इस समाज के लिए मिसाल नहीं है, ये माँ बेटी का रिश्ता उस हर परिवार के लिए मिसाल है जो माँ बेटी के रिश्ते में विश्वास रखता है। इनका रिश्ता इतना मजबूत था कि हमारा परिवार एक साथ रह पाया हर अच्छे और बुरे वक्त में। बस इतना ही कहूंगी कि ये जोड़ी हमारे रिश्ता की वजह से है, जो कभी खत्म नहीं होगा। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं मां। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। भाई कुछ तो है तुझसे रब्ता।